जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। हम लोग तीसरे अध्याय में चल पड़ते हैं। टू वीक्स अगो वी वर देयर, तो हमने वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम। आत्मा नैव च संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते, नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन कश्चन। बहुत सुंदर मैंने कहा था ये दो, दीज आर टू जेम्स। तो वी विल टेक वन स्टेप बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे, बिकॉज लास्ट वीक वी डिड समथिंग डिफरेंट, है ना, चौथे अध्याय में गुरु पूनम के कारण। तो भगवान कहते कर्म तो करना चाहिए, निष्कामता से करना चाहिए, ये सब जो सुना हमने, लेकिन देर इज एन एक्सेप्शन, देर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन इवन देयर, जस्ट लाइक हियर। कहते लेकिन जो आत्मा में रथ है, आत्मनि एव हि संतुष्ट, the one who is fixed and situated and grounded, anchored, पक्का हो गया आत्मा में, मैं आत्मा हूँ बस और कुछ नहीं हूँ, न शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ, न तरुण हूँ, न वृद्ध हूँ, न हिंद हूँ, न कुछ कुछ नहीं, ये सब ऊपर से पहने हुए कपड़े हैं, ये तो जब चाहे निकाल, मैं आत्मा हूँ, ये जिसका अनुभव हो गया, पक्का हो गया, पक्का। और जो पक्का हुआ क्या है, जो लक्षण जिसके, जिसका वर्तन, वर्ताव, बिहेवियर, द वन हु एक्ट्स लाइक इट। क्योंकि केवल आत्मा है तो फिर शरीर की ज़रूरतों के पीछे नहीं पड़ेगा, शरीर के लिए कम ज़्यादा नहीं होगा, मन का जो अपमान हुआ तो अपमान अपमान से उछल कूद नहीं होगी, निंदा नालस्ते से नहीं, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, उससे उछल कूद नहीं पड़ेगा, सर्दी गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, भूख प्यास में कुछ तड़पेगा नहीं, किसी से कुछ नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आत्मा है, आत्मा छोड़ के कुछ नहीं है, ये जो माइंड सेट हो गया पक्का, इट इज़ अ मैटर ऑफ माइंड सेट, वी आर वॉट वी थिंक वी आर, वी आर हु वी थिंक वी आर इन द माइंड। डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंटली ऑफ अस, किसी और से पूछे तो वो शायद हमारे बारे में कुछ दूसरा ही सोचे, जो हम शायद, हो सकता है हम अपने आप को जितना नापते हैं उससे बहुत ज़्यादा समझें, हो सकता है अपने आप को हम जितना नापते हैं उससे बहुत कम समझें। तो ये, लेकिन हमारे खोपड़ी में ये पक्का हो गया, हम ऐसे इसलिए हम ऐसे हो गए, बूढ़े भी हो गए तो जवान लग रहे, तो जवान लग रहे, कंघी करके सीटी बजा के जा रहे, और जवान भी है तो बूढ़े जैसे सोया लग रहा है, तो बूढ़े लग रहा है उसको। तो इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ माइंड सेट, माइंड ओवर मैटर। तो लेकिन अभी गड़बड़ी सबसे बड़ी हुई कि माइंड को हो गया कि मैं माइंड हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मैं प्राण हूँ, या मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे को वो ज़रूरत है, ऐसा है वैसा, ये मेरा है वो उसका है। When that changes, जब आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, जैसे हमने दूसरे अध्याय में सुना था स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, तो फिर उसकी इच्छा भी नहीं है, आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछुन चाहिए वो शान के चाह, भैया मन को छोड़ दिया तो अभी 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 यहाँ पे बादशाह बन गए, आज तक नहीं हो, अलेक्जेंडर सिकंदर भी नहीं हो इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े बादशाह हो गए अभी मान लिया तो। तो जिनका ऐसे हुआ उसके लिए भगवान कहते दैट वन इज एन एक्सेप्शन टू द लॉज ऑफ कर्म, उनको छूट छाट है, उनको कुछ नियम नहीं है, उनके लिए नियम ही नहीं बने, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गए, भगवान अपने नियम में कैसे, मछुआरा जाला फेंके मच्छी को पकड़ने, वो तो बुद्धू अपने को आपको थोड़ी पकड़े, मछुआरा अपनी पैरों में डाल के खुद ही फंस जाए अपनी जाली में, ऐसा ना हो, कभी नहीं होता। तो ऐसे ही उसके उसके चरणों के इर्द गिर्द घूमने वाली मछलियाँ भी नहीं फंसती उसकी जाले में, क्योंकि वो अपने चरणों में नहीं जाली डालता। ऐसे जिसको पक्का हो गया कि मैं इससे जुड़ा हूँ, ये ही मैं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, आत्मा में जो स्थिति हो गई, आत्मनि एव हि, मतलब ओनली, जोर दे के कहा भगवान, द वन हु इज कन्विंस्ड दैट आई एम आत्मा अलोन एंड नथिंग एल्स, आत्मनि एव हि संतुष्ट, और फिर एकदम शांत हो गए, सम अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास तुष्टि हो गई, तृप्त हो गया, कंप्लीशन की, फुलफिलमेंट की भावना हो गई। आत्मनि एव हि संतुष्ट तस्य, उसके लिए कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई काम नहीं है, करे तो करे, न करे तो न करे, कुछ बिल्कुल ही फ्री, सेट फ्री, फिर वो कर्म बंधन में नहीं, जाली में फंसा नहीं, जो जाली में फंसी है मच्छी उसी के तो बाहर निकलने के लिए काम करना पड़ेगा, इधर से निकलो या उधर से निकलो, या इसको फाड़ो या उसको फाड़ो, नहीं तो इस बड़े मच्छी को पटाओ कि तू अब देख, ऐसा ऐसा कर, तू भी निकल जाए मैं भी निकलता हूँ, इसको पटाए उसको पटाए, ये जमाए वो जमाए, यहाँ से निकले वहाँ से निकले, कहीं से नहीं निकला जाएगा,
केवल उसके चरण से निकला जाएगा, उधर ही खाली जाली है, बाकी सब तरफ जाली है। म्यूट कर दे अपने डिवाइस को। तो आत्मनि एव हि न संतुष्ट तस्य कार्यम, थैंक यू, तस्य कार्यम न विद्यते, राम भरोसे, लव इट। उसी की बात चल रही है। तो उसके लिए फिर कोई नहीं है, कुछ किया नहीं किया नियम है ना। तो और फिर कहा कि न एव तस्य कृते न अर्थो, उसके लिए कुछ किया भी तो भी कोई मतलब नहीं है। अर्थ मतलब वैल्यू, उसका उपयोग, कुछ करके कुछ मिलेगा, मिलाना है किस लिए, कुछ कारण के लिए करना है, ऐसा कुछ नहीं है। न अकृते न कश्चन, न करने में भी कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है फिर उसको कि कुछ क्या करना है, सब कुछ मिलाना ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, तो कुछ कुछ नहीं करना है, इसलिए वो कुछ करे भी नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कुछ न करने में भी उसके लिए कोई मतलब नहीं रहा है ना। जैसे सूखा पत्ता, अष्टावक्र गीता में उदाहरण देते हैं, अष्टावक्र मुनि की, सूखा पत्ता जब गिरता है, हवा चल रही है झाड़ से, तो वो क्या सोच के नहीं गिरता, इधर गिरना है उधर नहीं गिरना है, अरे ये तो गंदगी है इधर, तो अच्छा है ये कंपाउंड फेंस, मेरे को इधर, मेरा मालिक इधर है, मेरे को इधर गिरना है उधर गिरना है, नहीं तो अपन चलो इंडोनेशिया चले जाते हवा में ऊपर उठ के, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हवा जैती बहती हवा सा था, वो बादल आवारा था वो, है ना। तो हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, खुल के जीता था वो, जैसे जिधर हवा चली गई, गान ब्लोइंग विद द विंड, तो उस ऐसे जो चल पड़े, हे काना आई एम डूइंग गीता योग, स्टॉप, क्षमा करे, वो कुछ बेटे को इंस्ट्रक्शन देना था। सो इसलिए फिर उसका करने में न करने में भी कोई मतलब नहीं है। देयरफॉर इफ द विंड्स आर ब्लोइंग एंड प्रोपेलिंग हिम टू डू परफॉर्म ड्यूटी, हवा इधर बह रही कि चलो सामने, तुम्हारे सामने बच्चे हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, उनको बड़े हो गए उनको स्कूल जाना पड़ेगा तो करो, काम करो, क्योंकि काम करने से भी मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है, तो लेकिन तुम करोगे तो उनका काम बनेगा, तो क्यों ना करे, है ना। तो ऐसी अवस्था में जो जीते वो फिर जो मुक्त हो गए वो। सो इसलिए भगवान आगे आज का पहला श्लोक जो करेंगे, 19वां श्लोक, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो या चरम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो इसको हिंदी में पढ़े तो, इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते कि ये मार्ग है, तेरे को अवश्य होगा प्राप्ति भगवान की, ऐसा नहीं है कि इससे क्या होगा तो मर जाएंगे, फिर थक जाएंगे, भगवान का अनुभव नहीं होगा, अवश्य होगा। सारा कर्म अगर आसक्ति छोड़कर दू करेगा, अपने लिए सेल्फिश डिजायर से पर्सनली मोटिवेटेड होकर नहीं करेगा, सेवा भाव से करेगा अथवा कर्तव्य बुद्धि से करेगा, तो इसमें से क्या होगा, फल तो दूसरों को मिलेगा, क्योंकि तेरे फल की आसक्ति नहीं रही, फल के लिए नहीं कर रहा काम, अच्छी बहुत अच्छा फल दूसरे, लेकिन उसका जो ज्ञान बाकी रहा, फल के पीछे जो उसका सार बाकी रह गया, ज्ञान तेरे को मिलेगा। और सारा कर्म ज्ञान के लिए करना था, फल के लिए नहीं करना था, फल तो तेरे को भूख लगेगी तो ऐसे ही मिल जाएगा, किसी दूसरे के कर्म का फल तेरे तक आ जाएगा, डर कोई चिंता ना कर। तेरे को जो कर्म करना था वो तेरे अपने फल के लिए नहीं करना था, हमने देवदानवों वाली वो कथा सुनी थी 2-3 सत्र पहले, तेरे को जो कर्म करना था वो उससे समझ सीखने के लिए कि वर इज ऑल दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ डज दिस वर्क, क्या किए तो क्या होता, क्या नहीं किए तो क्या नहीं होता। तो फल देने की इच्छा से कर, फल लेने के रखने की इच्छा से नहीं। तस्माद इसलिए तस्मा असक्तम विदार आसक्ति कार्यम कर्म, कर्म को करता रहे, सम आचर ऑलवेज स्टेडी ऑलवेज समता में स्थित होकर, असक्तो ही आचरम कर्म, इस प्रकार से कर्म करके ही तेरे को प्राप्त, परमाप्नेति पुरुष, जो परम पुरुष है परमात्मा जो है वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान पीछे रहेगा और उस ज्ञान में प्रकट होगा भगवान का अनुभव जो है वो ज्ञान से प्रकट होता है, ज्ञान अंदर है भगवान भी अंदर है, वो चेत जाएगा, है ना, तेरी तेरी बात ही तू अपने आप चेत माचिस की टिकिया लग जाएगी तो प्रकाश में तू देख पाएगा। तो और भगवान कहते आगे आशा की वाणी देकर कि अगले श्लोक में कि खाली यू डोंट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट, मेनी मेनी हैव अचीव्ड ऑन दिस पाथ, कर्मणि एव ही, जो आज का 20वां श्लोक, कर्मणि एव ही सम सिद्धिम
आस्थितः जनकादय। भैया ऐसे बड़े बड़े राजर्षि लोग, बड़े बड़े जनक राजा जैसे, सीता माता के पिता जैसे, राम जी के ससुर जी, उनके जैसे महात्मा तक भी, और भी उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। ये कर्म के द्वारा ही इनको भगवान का अनुभव हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि कर्म का तो करना ही पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा। उनको अगर निष्काम बना दिया, कामना रहित, निष्काम मतलब अपनी कामना से नहीं, उसको अगर निष्काम बना दिया तो क्या होगा, फल तो मिलेगा, कर्म से फल निकलेगा ही, बस 100% 1000%। लेकिन वो फल की आशा न हो, फल के लिए न हो, फल को छोड़ने की तैयारी हो, फल के लिए न करे, तो जो पीछे रह जाए वो जो ज्ञान जिसके लिए कर्म करना था इन द फर्स्ट प्लेस, यू नीडेड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, सो यू विल लर्न फॉर द लर्निंग फ्रॉम इट, टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम इट। वो लेसन जब लर्न करेगा, तेरे को अपने स्वरूप का पता चलेगा, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, विच क्वेश्चन, हु एम आई, हु इज गॉड, हाउ एम आई रिलेटेड टू गॉड, एम आई रिलेटेड टू गॉड, और आर वी टू सेपरेट ऑलवेज, इफ एंड देन व्हाट डू आई डू from here on, what do you want me to do? How should I live for the rest of my life? These questions will be answered from the gyan, not from the fal. Fal kha ke mota ban jayega, baitha rahega, mar jayega. Fal ko chhodega to halka banega, ud payega. To wo jab aise hi, kyunki Bhagwan kehte hai ki most often koi gyani ban ke tapakta nahi hai. Maa ke pet se bahar nikla, gyani ban ke nikla, isko sab pata tha. वो दूध वूध छोड़ के निकल पड़ा, ऐसा एक आधी उदाहरण, मतलब मैं तो एक ही सुना है, जैसे एक दो सुने शायद अष्टावक्र की जो बात करें अभी, वो वैसे थे एक शुक मुनि थे, व्यास जी के पुत्र जिन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित को, वो वैसे थे, ऐसे दो तीन ही, और भगवान के अवतार वैसे होते हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए कहते वो वैसा था, तो ऐसे गिने चुने होंगे, लेकिन ज्ञान ही टपकता नहीं है कोई। ज्ञान तो होता है अंदर में, लेकिन उस सील लगाया होता है, बंद होता है, बोतल पक्की बंद होती है। ज्ञान ही है हम, तो ज्ञान स्वरूप है भैया, ज्ञान जो जन्म लिया, ज्ञान ने जन्म लिया, इधर में सब ज्ञान बैठे, ज्ञानी जी बैठे सब लोग, लेकिन सील अगर लगा हुआ तो पता ही नहीं है फिर अंदर में क्या है। तो ऐसा कोई टपकता नहीं कि खुला हुआ बोतल, ज्ञान की बोतल खोल के हुए, वो जब कर्म करते करते उसका जो बराबर ढंग से कर्म करे उसका खुल जाता है, और फिर पता चलता है कि ये तो अपन तो ज्ञान स्वरूप है, कुछ प्राप्ति की जरूरत नहीं है वैसे। तो कर निष्काम कर्म जब करे, जनक राजा ने किया, यहाँ पे जो भी सुना, कर्मणि एव ही सम सिद्धि, अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया, संसिद्धि मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली, साधक नहीं रहे उसके बाद। साधक साधन का उपयोग करके साधना जब करे, गुरु पर उपदिष्ट मार्गे ना, गुरु के बताए मार्ग, अपने अपने गुरु, अब हर गुरु ने अलग अलग मार्ग बताएंगे, हम उसी गुरु की ओर आकर्षित होते जो अपने हृदय की तार जुड़ती है। ऐसे देखने में आता है गुरु उल्टा बताते, एक गुरु ये जो बताता है उसके एग्जैक्ट उल्टा ये गुरु बताता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं। तो सर्कल पे अगर खड़े और इधर वाला गुरु कहेगा तेरे को सेंटर पे जाना, तो इधर ऊपर जा, इधर वाला गुरु कहेगा नहीं नहीं नीचे जा, उधर ऊपर जाएगा तो पगले तो पहले ही सर्कल के बाहर है और बाहर चला जाएगा, गुम हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, अंदर की ओर जा। इधर वाला कहेगा बुद्धू ने ऊपर जाना नीचे जा, तो चला बाईं ओर जा, इधर वाला कहेगा तो राइट दाहिनी ओर जा, सर्कल पे अगर हम बैठे हो, सर्कल बाहर बाहर देख रहे हो, तो सब गुरुओं को प्रणाम है, सब गुरु श्रेष्ठ है, दूसरों की जो मदद करे, दूसरों को राह दिखाए, इनमें जो सच्चे गुरु में विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि सब ले तो सेंटर की ओर ही जा रहे हैं, कोई गुरु नहीं कह रहा है कि तू इधर जा उधर, सब गुरु कह रहे सेंटर की ओर जा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर ऑन द सेंटर, इट इज अप टू अस, डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर ऑन द सर्कमफेरेंस इज विल डिसाइड द डायरेक्शन दैट वी टेक, and that is how we'll be attracted to the guru. So guru ke upadesh kiye hue marg par ja kar ke na agar unhone fir karm kiya, unke guru ashtavakra the janak raja ke, wo 60 saal ke umr aur inke 16 saal ke guru the, us karm ke dwara gyan prapt hua, gyan prapt karke fir karm yog mein lag gaye. janak raja ka jab gyan prapti hui to unhone kaha apne guru ko ki ye sara rajya main tumhe deta hu, जो अभी जो पता चला तुम्हारी कृपा से मैं कुछ ही नहीं दे सकता, अब पता चला कि मेरा राज्य बड़ा राजा बन गया था, मैं सम्राट, ये तो कचरा इकट्ठा किया था, कंपेयर टू व्हाट यू गेव मी, कंपेयर टू द एक्सपीरियंस दैट यू गिवन मी, दैट नॉट ओनली दिस बट एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, इट इज ऑल कनेक्टेड विद मी, आई एम इन ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस, तो मैं तुमको क्या दूँ प्रभु,
कर दे, तो इतना ही मेरा जो कुछ है सारा इस मुकुट में है, समाता है, ये मुकुट तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, बस ये ले लो, इसके साथ सब हो गया, मैं तुम्हारा दास बन गया। इसका अर्थ ही हुआ कि मैंने सरेंडर किया, तो नाच में तुम्हारा दास, अब ये राज्य भी तुम्हारा हो गया। वो तो शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु ने क्या कहा कि चलो फर्स्ट क्लास, अब तू ये ले वापस तेरा मुकुट पहन, अब ये राज्य मेरा है, लेकिन राज्य तू करेगा, मेरा समझ के राज्य कर, इसमें कुछ तेरा नहीं है इस राज्य में। अपने गुरु का राज्य समझ के सेवक भाव से सबकी सेवा में लग जा, बिकॉज इन सर्विंग योर पीपल्स, इन योर सर्विंग योर पीपल रादर सिटीजन्स, यू आर सर्विंग मी। तो ऐसे फिर उनको जो सिद्धि की प्राप्ति, ऐसे यहाँ पे भगवान ने कहा कर्मणि एव हि संसिद्धिम आस्थिता, आस्था रख करके, है ना, कि है होगा ऐसा विश्वास, आस्था मतलब पॉजिटिविटी में सेट हो करके, पॉसिबिलिटी, ड्रीमिंग, कीपिंग एन ओपन माइंड, क्रिएटिंग सम स्पेस इन द हार्ट दैट मे बी दिस इज ट्रू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। जो आस्था में स्थित हो गए, आस्थिता जनक आदय, जनक जैसे कई हो गए, लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रह को देखकर भी तेरे को यही योग्य है कि संपश्यम कर्तुम अर्हसि, क्योंकि तेरा देख करके तू जैसा करेगा उसके अनुसार लोग चलेंगे। किसको कह रहे, अर्जुन को कह रहे थे, इनकी ओर से सबसे श्रेष्ठ योद्धा तू है, सब लोग तेरे को मानते, तेरा लोहा मानते हैं, सब लोग तेरे मेरा मित्र समझ के, एवरीबडी लुक्स अप टू यू एज अ रोल मॉडल अर्जुन, एंड दे विल ऑल थिंक, अगर तू छोड़ के जाएगा तो सबको लगेगा कि छोड़ के जाना ठीक है, युद्ध यही ठीक है, युद्ध करना ठीक नहीं, तू डटा रहेगा युद्ध करेगा तो सबको लगेगा कि यही ठीक है, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल। इवन इफ फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट यू हैव टू स्टे पुट एंड यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज, यू हैव टू एग्जीक्यूट फर्स्ट क्लास, फिनिश योर टास्क। सो एनी विच वे यू लुक एट इट, यू मस्ट स्टे पुट हियर, क्योंकि इसके पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा ना मैं तो निकल जाता हूँ करके। सो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं, अगले श्लोक में कहते हैं 21वें श्लोक में, एंड देन वो स्टॉप देयर, आई शेयर वन वन एनेक्डोट, वन एग्जाम्पल आफ्टर दैट। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो धनः, यद यद आचरति, जैसा जैसा, यद मतलब जैसा, तद मतलब तैसा वैसा, यद यद आचरति बिहेवियर, हाउ एवर एवर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जो होते सुपेरियर्स, यद यद आचर तत् तत् उसके अनुसार दूसरे लोग उसके अराउंड जो वैसे ही चलते हैं। अब बच्चा अपने पिता के अनुसरण करता है, बेटी अपने माँ के अनुसार चलती है, देखने में आता है बच्चों में अपने माता पिता जैसे उनका साइकी बन जाती है, अथवा पियर्स के साथ रहे काले में जाके बिगड़ते हैं, तो पियर्स के जैसे जिसके जिसके रोल मॉडल समझे, जिसके पीछे मन लग जाए, जिसमें मन लग जाए, दिल लगा गधी पर तो फिर वैसे ओके ना। तो श्रेष्ठ सुपेरियर पुरुष सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते, हिंदी में पढ़े, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाते हैं। हम लोग जो गुरु आश्रम में जाते हैं, पंडाल में बैठते हैं, अथवा सुनते हैं, तो उस समय अच्छा लगता है क्योंकि उनकी शांति हमें मिलती है, उनके अनुसार अपने को भी लगता है कि हाँ ऐसा ठीक है, निष्काम भाव से जीना ठीक है, वो कह रहे तो शायद वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने उनको श्रेष्ठ समझ लिया, मान लिया, गुरु मतलब हमसे बड़ा, हमसे बड़ी, है ना, जिन्हें मान लिया उसके अनुसार अपन चल पड़, बराबर हो ऐसे उनके, जो वो जो भजन गाते हैं वो अच्छे भजन अच्छे लगते हैं अपने, वो जो शास्त्र कहे उसको, जो वो जिस मंत्र को कहे उस मंत्र को लेकर के चलते हैं, क्योंकि अनुसरण करते हैं उनके, वी एवरीबडी वॉन्ट्स टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ समवन अहेड ऑफ देम, समवन सुपेरियर देन देम, समवन ग्रेटर देन देम, वो इफ यू वॉन्ट टू बिकम रिच डू एज द रिच डू, उनके अनुसार है ना, वो जिसको भंगेरी भंगेरी के पीछे लगे, जैसे जुआरी जुआरी के साथ हैंग आउट हो, तो जो जैसे उसके वो वैसे भगत भगत के साथ चले, तो और अपने से बड़ा भगत की ओर देखे उसके ऐसा चले, तो सीधी बात है, कॉमन सेंस है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि अर्जुन यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज देयर इज व्हाट 600,000 पीपल वॉचिंग यू,
There were 1.2 million people on Duryodhan side and 600,000 उसके आधा, टू थर्ड्स ऑन कौरव साइड से ना, वन थर्ड ऑन पांडव साइड थी उनमें से. कि दीज पीपल विल देन डू एज यू डू, यू कैन नॉट डू दैट. तो उस दृष्टि से, क्योंकि ये सेटिंग ही है मनुष्य समुदाय यहाँ पे का, ह्यूमंस, दैट दिस इज व्हाट ह्यूमंस डू. और वैसे देखा जाए तो पंछी लोग, पंछी भी उनके सामने जो, उसके पीछे पीछे पंछी सब जाते हैं, गाय भैंस बकरे भी वो सामने जो उसके पीछे जाते हैं. सब सारी सृष्टि ऐसे हो रही है कि एक कोई लीडर हो उसके पीछे, पॉलिटिक्स में भी जहीं कर भी. तो इसलिए तू श्रेष्ठ माना गया है पांडवों में, तो तेरे को यही करना ठीक है. अगेंस्ट एनी विच वे यू कैन नॉट गिव अप योर ड्यूटीज, यू शुड नॉट, यू मस्ट परफॉर्म, यू मस्ट स्टे पुट. मरना भी पड़े तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरा भी तो जीतवा वा भोक्ष्यसि महिम, जिया भी तो. दूसरे अध्याय में हमने सुना, तो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस अबाउट इट डटा रहे, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, चलो उठ खड़ा और युद्ध कर ललकार. तो वी विल स्टॉप हियर एंड आई विल शेयर वन एग्जांपल विद यू अबाउट दिस एंड देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. तो वन एग्जांपल दैट आई थॉट ऑफ, दिस इज एंटायर स्कीम ऑफ द गीता के लिए. ऐसे कोई पिता हो, सपोज ए ट्रिमेंडसली रिच मैन, द ट्रिमेंडसली मतलब द रिचर देन एवर, ऐसे समझे, इतना श्रीमंत, इतना धनवान पुरुष व्यक्ति हो कोई, जो आज तक नहीं हुआ हो. जेफ बेजोस को झाड़ू मारने के लगा दिया, बिल गेट्स को कहा चल तू मेरा सेक्रेटरी बन जा, ऐसे मार्क जकरबर्ग को धोबी बना के रखा दिया, ऐसा समझे, इतना हो. और उसके पाँच छः, सब पाँच, चार पाँच, पाँच छः बेटे हो, जो भी जितने भी मानने चाहते हो. और वो खाली धनवान नहीं है, लेकिन वो बहुत ही, इसके आगे इस अध्याय में भगवान के विषय में वर्णन आएगा, सबका सुहृद भी है, वेलविशर भी है, दयावान भी है, कर्तृत्ववान भी है, पावरफुल भी है, और हमेशा दूसरों की भलाई में रत रहता है, अपना पैसा इसलिए सोया नहीं रहता, ऑलवेज डूइंग समथिंग, इन अदर वर्ड लाइक द बेस्ट मैन पॉसिबल. बट ही, यहाँ पे ये मतलब की बात है कि बहुत ही धनी है, और उसके जो बेटे हैं वो धन का उपभोग कर रहे हैं. उसके घर में कुत्ते हैं, बिल्ली है, फिश है, जो भी पेट्स, सब सब कुछ है, वो तोता मैना, और उसके बच्चे भी, बेटे भी हैं, वो सब लोग ऐश कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा इतना उनके पास इर्द गिर्द है ना, कभी कितना खा के पी के दमा दम करके जितना करेंगे उतना कम नहीं होगा कभी. तो जैसा वो कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना, चिड़िया, वो फिश उनके घर जी रहे हैं, क्या फर्स्ट क्लास एसी में है उनके, वो जो चाहते हैं उनको खाने को मिलता है, जब सोना चाहिए सोने को मिलता है, कोई धोना शरीर धोने के लिए, नए नए कपड़े पहनने के लिए, ऐसे उसके बेटे भी रह रहे हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो खा रहे कुत्ता बिल्ली, इनको जो अच्छा लगता है ये खा रहा है, वो भी एसी में, ये भी एसी में, वो भी बड़े बंगले में, ये भी बड़े बंगले में, वो जब चाहे तब सोते हैं, ये भी जब चाहे तब सोते हैं, कोई कमी ही नहीं है किसी बात की. इतना हो गया, इतनी बुद्धि ब्लंट हो गई कि ये सोचने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं रही कि ये सब मिला कैसे अपने को, ये कहाँ से आया नाउ, राइट. सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि इनके, इनका ध्यान ही नहीं, अब ये आया कहाँ से, ये कौन दे रहा है मेरे को, इतना कैसे प्राप्त हो रहा है मेरे को, हर आई हैव ऑल दिस. वी लाइक पाँच छो छः भाई जो दिन भर खेलते रहते हैं या टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जो भी करते रहते हो गए, कोई अच्छा होगा नहीं होगा, बट देर नॉट थिंकिंग वट वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्राम, ऐश 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 में. ऐसे करते करते कहीं जाकर किसी, कोई तामसिक स्वभाव का है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है, एक आध बड़ा अलग से है. आप अगर आप घर में बड़े हो तो समझे बड़ा वाला सात्विक है, आप अगर घर में छोटे हो तो समझे छोटा वाला सात्विक है. मैं घर में बड़ा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ, सपोज बड़ा वाला सात्विक हो, थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति का, उसके मन में कई विचार हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है, इतना ये जो वैभव है ये अपने आप बन कैसे जाता है. और धीरे धीरे सोचते सोचते उसको पता चलेगी, मेरा पिता जो है इतना मेहनती है, इतना कुशाग्र बुद्धि, इतना धनवान है. माई डैड इज सो स्मार्ट, सो हार्ड वर्किंग, सो लविंग, सो दिस एवरीथिंग. ओ माई गॉड, उसको जब पता चलने लग जाए कि इसी इतना सारा उसकी वजह से है, और इतना ही नहीं इतना ज़्यादा है कि ये सारा मेरा भी है, जो इसका सब है वो सब का सब मेरा भी है. तो आज तक जो मैं चिंता करता था, डर लगा रहता था, बचा के रखता था, अपने स्वार्थ से चार पांच भाई अपना अलग रखता था,
ओ माय गॉड, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं कभी खत्म नहीं होगा, कभी ले नहीं पाऊंगा, इतना है मेरे नाम से, मेरा मेरे पिता का सब, हम सब मिलके भी करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, लेकिन आई वुड चैलेंज यू टू टेक दिस फॉरवर्ड, दिस थ्रेड, बाय द टाइम नेक्स्ट टाइम वी मीट, पूरा एक हफ्ता है, द एग्जाम्पल दैट आई एम शेयरिंग विथ यू बिकॉज ऑफ बींग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई वुड लव फॉर यू टू आइदर डिस्कस विथ ईच अदर इन योर ओन हाउस होल्ड और डू इट इन योर मेडिटेशन। उसको इतना पता चल जाए कि ये सब पता चल गया, ओ माय गॉड, ये मेरे पिता ने सब कमाया हुआ है और इतना है कि मेरे को आज से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, न कुछ करने की ज़रूरत है, न चिंता करने की ज़रूरत है, न डरने की ज़रूरत है, न किसी को डराने की ज़रूरत है, न किसी से चोरी करने की ज़रूरत है, न किसी से जलने की ज़रूरत है, किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं, न भयभीत होने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, कुछ यहाँ तक कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं, कुछ भी, इतना हुआ भरा हुआ है, क्योंकि वो सब मेरा भी है और इनफाइनाइट है, इसलिए कोई देर इज नो नो एंड टू इट, आई डोंट टू डू एनी थिंग। और वो बैठ गया, शांत हो गया, ज्ञानी बन गया, सचमुच में ज्ञानी बन गया, उसको सचमुच में ज्ञान आ गया, ये सब कहाँ से आया, किसका आया, मेरा इसका क्या संबंध है, और इसके बाद फिर जीने जीवन में कोई कोई झंझट नहीं रही, देना लेना देना नहीं, चिंता नहीं रही, कुछ नहीं रहा, तो अपने तृप्त सात्विक स्वभाव के थे तो शांत हो गए, बस इसी में जो है, जिसको है जैसे, मुबारक, अपने खुश रहे, छोड़ दिया आप दूसरों को, लेकिन ऐसे प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रही, क्योंकि तृप्ति है ना, जहाँ अतृप्ति है वहाँ प्राप्ति की इच्छा लालसा रहती, अतृप्त है अभी फुलफिल और चाहिए और चाहिए, और जहाँ तृप्त है वहाँ प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती है ना, अगर प्राप्ति है तो तृप्ति नहीं, प्राप्ति और तृप्ति आप समझ रहे हैं राइट, तृप्ति इज सेटिस्फैक्शन एंड प्राप्ति इज द डिज़ायर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अप्राप्त अगर लग रहा है, मेरे पास शायद कम है, पता नहीं रहेगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं, तो फिर तृप्ति नहीं हो सकती, जैसे सो ये तृप्त हो गए महाराज, पता चल करके वो धीरे धीरे उसके साथ रह करके उसके दूसरे भाई को भी पता चलने लग गया, और ऐसे के ऐसा उस दूसरे भाई को भी पता चल गया, ओ माई गॉड, यू आर सो राइट, वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, वी हैव नथिंग टू बी जेलस अबाउट, वी हैव नो रीजन टू फाइट विथ ईच अदर, देर इज सो मच एंड इट्स ऑल आवर्स एंड वी विल नेवर बी एबल टू फिनिश इट। लेकिन दूसरे भाई थोड़ा आगे निकल गया, उसने कहा इस पर, ये छोटा भाई भजन अपना शांत ज्ञान मेडिटेशन में हो गया, दूसरे भाई ने कहा कि ओ मेरे पिता ने इतनी कृपा करके रखी, इतना कमा के रखा, इतना सुंदर मेरा पिता है, इतना शांत है, इतना लविंग है, कि बस मैं तब उसके प्रेम में पागल हो गया, all rest of my life I just want to serve him, I just want to take his name, I just want to just ingratiate him, I just want to praise him, praise the Lord, aur bas pita ke piche hi lag gaya, jahan pita jaye udhar ho jaye, pita ke bare mein soche, pita ki tasveer dekhe, pita ki gungan gaaye, pita ka dhyan bhajan kare, pita ka kirtan kare, pita ki tareef kare, kautuk kare, pita ke vishay mein soche, पढ़े, कहे, पिता के बारे में लोगों को बताए, पिता 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 पिता, पिता मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, क्योंकि वो भिन्न हो गया, पागल हो गया, ये सब अनुभव के, उससे खाली शांत बैठा नहीं गया ज्ञानी जैसे, वो तो भगत हो गया, भक्ति में लग गया, तो भक्ति तभी हुई, ज्ञान तो है उसके, क्यों भक्ति हुई उसको, क्यों ऐसा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया पहले, उससे समझ गया, और समझने के बाद उसके साथ प्रेम भी हो गया ना, जैसे मानो उसको उस भक्ति में लग गया, वो दोनों के साथ रह करके साधु संघ से धीरे धीरे तीसरे भाई को भी पता चला, तो वो भी ऐसे पहले भाई समान ज्ञानी ज्ञानी हो गया, कुछ चिंता रहित हो गया, जलन नहीं, किसी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं रही, बिंदास फर्स्ट क्लास रहने जीने लग गया, ऑलवेज फर्स्ट क्लास, ऑलवेज बिंदास, एक्सपेक्टिंग नथिंग, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, चेयरफुली, जॉयफुली। और फिर लेकिन वो थोड़ा दूसरे भाई जैसा था, उसको लगा कि हाँ यार खाली अपना अपना मान के इसमें क्या मजा, बात तो सही है, बड़ा भाई सच्ची बात कह रहा है, लेकिन दूसरे भाई समान अपने बाप का निधन किया उसके बारे में सोचना चाहिए, वो अपने पिता के साथ रह रहे के पिता को कहे कि पिता लेकिन यू नो मेरे से खाली तुम्हारे नाम ही लेकर के तृप्ति नहीं होती, आई वॉन्ट टू डू समथिंग टू हेल्प यू, आई नो यू डोंट नीड माई हेल्प, आज तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, मेरे को पता तक नहीं था तुम कौन हो, तुमने कैसा किया, क्या किया, तुम्हारी प्रॉवेस क्या है, माइट क्या है, तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पता भी नहीं था, तुम सब कर रहे हो, तुमको मेरी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बिना, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा प्रभु, मेरे पिता खाली भजन मंजीरे कुट के नहीं बन रहा, मेरी शांति नहीं हो रही, कुछ तो देने का जी कर रहा है,
इतना प्रेम हो रहा है। अब ये ज्ञानी से भक्ति, भक्ति से प्रेम ही बन गया। वो कह रहा है कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू, आई वांट टू गिव यू सम गिफ्ट, मर जाऊंगा अगर मैं गिफ्ट नहीं दूंगा तो, तड़प तड़प के, आई वांट टू शो यू माय लव। और पिता कहे कि चल ठीक है, लग जा फिर, जहाँ जो मैं कर रहा हूँ वो कर, अलाइन हो जा, शरण हो जा, शरण हो जा मतलब घुटने टेक नहीं, देख तू समझ गया ना कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे करता हूँ दूसरों की भलाई के लिए, अपने चिंता नहीं है, सब अपने पास कोई कमी नहीं है, अपना वास्तविक स्वरूप तेरी अपनी स्टेट कितनी है पता चल गई तेरे को, कहाँ पर रखी है, कितनी रखी, कैसी, कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ठीक है मैं जिधर जाता उधर तू भी चल, मैं जो करता वो तू भी कर, मैं जैसे करता हूँ, मैं हजार करता हूँ तेरे से एक भी नहीं हो पाएगा, लेकिन चेष्टा कर। तो ये भी लग गया महाराज, इधर वो जाते उधर वो भी, वो जैसा करता वो वैसा भी वो करता, इससे बन रहा कुछ नहीं, कि ताकत नहीं है, दम नहीं है, लेकिन कर रहा वैसे ही है। तो और फिर वो बाप उसके सिर पे हाथ घुमाए, उसको गोदी पे रख ले, कहे तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मिभ्यश्च अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी अधिको मतः तस्माद योगी भवार्थ। कर्म में लगा रहे, कर्म को मत छोड़, अपनी ओर से कर बेटा, तो तेरे को पता चल गया नहीं सब मेरे लोग हैं, ये मैं इसीलिए जी रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तू अपनी ओर से छोटा थोड़ी सी भी इनको खुशी दे रहा है तो खुशी तो मेरे को हो रही है, तो सेवा तो इनकी कर रहा है लेकिन सेवा हो तो मेरी रही है, ये तो समझ रहा है तेरे को, तो लग जा जी मरते दम तक, अब लग जा दमा दम, फर्स्ट क्लास रह, बिंदास रह, कभी ज्ञान को मत छोड़ना और कभी तेरे भक्ति तो अपने आप लगी, लेकिन योगी बन, अपने लिए कुछ ना कर, तेरे क्योंकि तेरे को पता चल गया तेरे को कोई कमी नहीं है, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं, ये सब तेरा ही है, खाली बैठा भी नहीं रहे, क्योंकि इतने लोग अज्ञानी, ये सब मेरे बेटे, अभी तेरे को पता चल गया सब मेरे बेटे, ये सब का सब है, लेकिन ये अभी दुखी पीड़ित है, इनको बता तू, इनको समझा, इनकी सेवा कर, शुश्रूषा कर, इनको नर्चर कर, नरिश कर, जब तक जितना तब हो सके, आई नो तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तेरा दम नहीं है, कुछ तेरे में कोई ताकत नहीं है, इसे पत्ती नहीं हिल पाएगी, लेकिन बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद मी सारा श्रेय तेरे को भी मिलेगा, मेरे साथ तू भी स्टेज पर होगा, मेरे साथ तेरा भी सम्मान होगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम जोड़ा जाएगा, तो इसलिए लग जाए। और ये चौथा भाई है, पांचवा भाई है, छठा भाई है, कर्मी है, अपनी अपनी इधर कर्म किए जा रहे, कुछ पता ही नहीं, इधर का उधर उठपटांग बातें पता भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, बस अपने में रत है। तो अगले बार हम सुनेंगे इस बात को कि भगवान कहते हैं उनको डिस्टर्ब मत कर, तेरा जो पांचवा भाई है, छोटा भाई है, छठा भाई है, उनको डांट मत, इनको गाली मत दे, उनको तमाचा मत लगा, क्योंकि तेरे को पता चल गया, तेरे को समझ लग गया, बुद्धू करके उनकी कॉलर मत पकड़, उनका कान मत पकड़, उनको अंधेरी कोठरी में मत डाल, उनको गाली गलोच मत कर, उनको बुराई बुरा मत समझ, भैया तू भी बेटा तो ऐसा ही था ना, उनको प्रेम कर, उनको समझ, धीरे धीरे समझेंगे तेरे रोल मॉडल से, जैसे तू बुद्धू था तेरे बड़े भाई के पीछे पीछे चल गए तेरे को पता चला, तू उसके आगे निकल गया, तेरा बड़ा भाई बैठा ध्यान में बैठा है जहाँ सुबह से रात तक ध्यान में, फर्स्ट अच्छा है वो तो मेरे साथ जुड़ा हुआ तार उसकी, एक क्षण नहीं टूटती, लेकिन उसको और कुछ करने की इच्छा नहीं आता रहता। तेरा दूसरा भाई वो तो ध्यान भी करता है, ध्यान के बाद भजन भी करता है मेरा, वो भी बढ़िया है, मंदिर पूजा रूम में ही बैठा रहता है, तू मेरे साथ बाहर खड्डे खोद रहा है, जो नाली में साफ कर रहा है, तो ये भी धीरे धीरे लग जाएंगे, पहले भाई के दूसरे या तेरे पीछे लगेंगे, इनको इनको फटकार मत, रोल मॉडल बन इनके लिए। ये हम आगे चल के सुनेंगे, भगवान अपना उदाहरण दिखे, मेरी ओर देख, भगवान कहते हैं मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे को बाण लगेंगे उसके पहले मेरे को लगेंगे, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, है ना, तो ऐसे रोल मॉडल बन करके उदाहरण करके, इसलिए योगी बन, कर्म को किए जा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, लव इट।